आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हिसार जिले से जी। हाँ जी, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। लेफ्ट साइड में छाती में दर्द है जी। छाती में दर्द है? हाँ जी। अच्छा, लेफ्ट साइड में छाती में दर्द है, कब से है दर्द? ये 6-7 सालों से है जी। अच्छा, तो रोज होता है दर्द या कभी कभी होता है? ये रोज ही होता है, कभी 2 दिन हो जाता है, कभी 3 दिन नहीं होता, कभी 2 दिन हो जाता है सर जी। और आपने इसका कुछ टेस्ट वगैरह कराया? आपने हार्ट का कुछ इको वगैरह ECG कुछ टेस्ट कराए आपने? हाँ, सब नॉर्मल आया जी। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो एरिया छाती का है उसमें अक्सर जो है हार्ट से रिलेटेड पेन भी हुआ करते हैं, और हार्ट के टेस्ट अगर आप नॉर्मल आए फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं है। फिर वो दर्द दो कारण से हो सकता है, या तो आपका मस्कुलर पेन है, मांसपेशियों में कई बार जो है पित्त जम जाता है, उसकी वजह से दर्द हुआ करता है। दूसरा जो है वायु की वजह से भी दर्द होता है, कि वायु अगर पेट में गैस बने उससे प्रेशर बन रहा है, या वायु आपकी मांसपेशियों में जो है वात जा करके वहां स्थापित हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अभी आपको जो है मैं बताता हूँ इसका इलाज। एक तो सबसे पहले आपको अपने छाती के पूरे एरिया में जो है हर रोज जो है मालिश करनी है तिल के तेल से, हर रोज तिल के तेल से मालिश करें, और थोड़ी सी सिकाई भी करें। साथ में जो है आपने भोजन में कोई भी पित्तवर्धक चीज नहीं खानी है, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई और बादी वाली चीजें जो गैस बनाने वाली है वो भी बिल्कुल नहीं खानी है। और उपचार इसका मैं बताता हूँ आपको बहुत बेहतरीन, कम से कम इसको आपको 2 महीने लगातार सेवन करना है। एक चूर्ण मिलता है आयुर्वेदिक, उसको कहते हैं अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण जी? हाँ जी, अभिपत्तिकर चूर्ण जो है एक एक चम्मच भोजन के बाद दिन में 2 बार आपको सेवन करना है, और 2 महीने लगातार इसको खाइए। आपका दर्द भी गायब हो जाएगा, आपकी गैस भी नहीं रहेगी, एसिडिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन कोई भी समस्या फिर भी अगर आपकी है, हमारे नंबर पे फोन करके डॉक्टर से बात करें, और अच्छी तरह डिटेल में बात करके उसकी औषधि भी अपने घर पे आप अवश्य मंगवाएं। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एडिक्शन के विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि टीवी का बहुत एडिक्शन लोगों को हो गया है जी। और टीवी के सामने घंटों लोग बैठे रहते हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, और इससे जो हमारी लॉन्जिविटी है उस पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टीवी, जैसा मैंने एक रिसर्च भी आपको बताई कि रिसर्च भी ये कहती है कि टीवी देखने वालों की आयु कम होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारे शारीरिक तो फर्क ही है जी। धातु भी हमारे कम बनते हैं, आम ज्यादा बनता है, ओजस कम होता है, और इसके अलावा जो है हमारी और चीजों पर भी फर्क पड़ता है, हमारी जो है इनकम पर फर्क पड़ेगा जी, जी। अगर आप उतना ही टाइम कुछ क्रिएटिव काम करने में लगाएं तो शायद आपका जो है आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आपकी फैमिली पर फर्क पड़ता है जी, क्योंकि वो समय अगर आप परिवार को दें, बच्चों को दें, अपनी पत्नी को दें, पति को दें, तो शायद आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। प्यार बढ़ेगा तो आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। ये जो आजकल जितना भी मशीनरी आ गई है, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे कंप्यूटर है, इसने हम लोगों को जो है आपस में एक दूसरे से जुदा कर दिया है जी। जी, इंडिविजुअल बन गए हम लोग, सब लोग जो है अकेले रह गए हैं, लोनलीनेस हो गया है, एक दूसरे से बात नहीं करते आजकल। अगर घर में भी 2-3 कमरों में लोग रहते हैं तो SMS से जो है SMS से मैसेज भेज करके जो है बात किया जाता है। तो ये चीजें जो है अल्टीमेटली हमारी आयु पर फर्क डालती हैं, हमारे जो है शरीर के जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो सोशल रिलेशन से वो बढ़ते हैं जी, जी। प्यार से जो है नरिशमेंट होता है, तो प्यार से जो है आयु बढ़ती है, और अकेलापन, लोनलीनेस से आयु कम होती है जी। और टीवी हमें अकेला कर देता है जी, बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता है, लेकिन हमारे शो में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। लोगों को जो है कहते हैं कि आपस में जुड़ के रहो, मिल के रहो, हमारे साथ ही जुड़े रहो, और कोई नहीं मिलता। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन हमारे जो अगले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलो, तो उनकी समस्या का समाधान बता देते हैं जी। हेलो,
हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। मेरा नाम मुकेश सोहन है। हाँ जी, मैं सिलीगुड़ी बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी। मैडम जी, ये समस्या डॉक्टर साहब ने बताया था पेट के ऊपर ये बांधने के लिए कि आपका मोटापा कम हो जाएगा, कुछ दिन पट्टी बांधने के बाद उसका कोई फर्क नहीं पिया। पट्टी बांधने से मोटापा कम हो जाएगा? हाँ जी, ये बताया था आपने, तौलिया बांधने के बाद में ये इसका तौलिया बांधिए, फिर ऊपर से आप शॉल या कुछ भी रख लीजिए। उसके बाद में सर कम से कम एक महीना किया, एक महीने में कोई फर्क तो पड़ा? देखो, पट्टी बांधने से मोटापा कम नहीं होता। मोटापा कम होगा जब उसका कारण आप समझेंगे कि मोटापा आपको क्यों बढ़ रहा है। आजकल मोटापा कम करने के लिए कोई पट्टी बांध रहे हैं, कोई बेल्ट बांध रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार के यंत्र बना दिए हैं, क्योंकि हर आदमी मोटा होता जा रहा है आजकल, लेकिन हम जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं। मोटापा ज़्यादा बढ़ता जो है उसका मूल कारण है कि हमारे जो मेदो वह स्रोतस हैं, जो फैट कैरिंग चैनल्स हैं, उनमें जो है वसा की मात्रा बढ़ जाती है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि सारा जो भोजन हम खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर यहीं जमा होता रहता है पेट के इर्द गिर्द। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी मेदोवही स्रोतस को साफ करना है, उसको क्लीन करना है। और एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, ये आप शुरू करो। एक तो सुबह जो है आप जब उठते हो तो आधा लीटर पानी में एक नींबू निचोड़ो। पहले गर्म कर लो पानी को, अच्छी तरह उबाल लो, फिर एक नींबू पूरा निचोड़ दो, दो बड़े चम्मच शहद के मिलाओ और इस आधा लीटर पानी को सुबह खाली पेट आप पियो। इसके अलावा सौंठ, काली मिर्च, पिपली तीनों को बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाओ और इस चूर्ण में से एक एक चम्मच सुबह शाम किसी टाइम भी ले लीजिए, नाश्ते के बाद ले लो, रात को खाने के बाद। गर्म पानी से ये चूर्ण आपको सेवन करना है। और इसको लेने के साथ साथ एक चीज और बता दूं आपको मैं, कि अगर आपको वास्तव में अपने मोटापे को साफ करना है, गायब करना है, तो एक तो निरंतर अपना एक रूटीन बनाओ एक्सरसाइज का, दूसरा अपने भोजन को जो है आप देखो उसमें फैट वाली चीजें, बहुत ज्यादा कैलोरीज तो आप नहीं खा रहे, और तीसरी चीज आपको बहुत सिंपल मैं बता दूं, हमारे इसी नंबर पे फोन करके, और एक जीवा का ओबेसिटी हेल्थ केयर पैक है, उसमें एक चाय होती है, कुछ टेबलेट पाउडर, वो मंगा लीजिए। आपका जो है मेदोवही स्रोतस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, फैट जो है अपना गायब होगा और इधर उधर नीचे के हिस्सों में भी जहां फैट बिल्कुल नहीं है वहां जाएगा और आपका वजन भी कम होगा। तो इस प्रकार से काम करिए, तब आपका काम बिल्कुल पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आपका भी हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए। डेफिनेटली हमारी हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट करके आप इसका लाभ उठाइए और अपने मोटापे को आप जरूर कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ जी, गुड बाय। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, हमारे टॉपिक पर लौट कर आते आप हुए, जो टीवी की बात कर रहे थे, मैं वो बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो हमने सुविधा दी है लोगों को, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, तो कई बार वो फोन करके हमारे यहाँ डॉक्टर से बात ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की। जी, तो ये जो हमने सुविधा शुरू की है, इससे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिनको कि इमोशनल प्रॉब्लम है, कुछ उनको सपोर्ट चाहिए, तो हमने जो ये शुरू किया है टीवी, इसलिए हमने टीवी का सदुपयोग किया है और फोन का भी सदुपयोग किया है। जी बिल्कुल, कि आप जो है अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं या आपको जो है अंदर की कोई अपने इमोशनल चीज किसी पर किसी के साथ शेयर करनी है और कहीं आपको मौका नहीं मिलता, तो आप हमारे यहाँ बात करके हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करें और हम आपकी समस्या का समाधान भी उसमें बताते हैं। जी, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने शुरू की है। जी वेल, ये तो बात हुई अकेलेपन की, लेकिन इसका ऑपोजिट होता है सोशल इंटरेक्शन, और जिसकी वजह से बहुत सारे और एडिक्शंस पैदा होते हैं, जैसे कि अल्कोहल एडिक्शन। जी, इसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोग भी हमें कॉल करते रहिए, नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 01294088152। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।